तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बताने वाला हूं कि स्टोर कीपर में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जॉब के लिए। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पे क्या-क्या चाहिए और उसमें आपको कितने क्वालिफिकेशन चाहिए, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्टोर कीपर जॉब के लिए। अगर आप दुबई में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि स्टोर कीपर के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसमें क्या क्या चाहिए, सैलरी कितना मिलता है। तो आज मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। पहले भी मैंने एक दो वीडियो में बताया हुआ है स्टोर कीपर के बारे में, लेकिन आज मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि स्टोर कीपर में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके बाद आपको सैलरी कितना मिलता है, अगर फ्रेशर हो तो क्या चाहिए और एक्सपीरियंस वाले हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए स्टोर कीपर के लिए। तो आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही दुबई के बारे में आपको इस चैनल पे टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी दुबई में है जॉब से रिलेटेड या फिर और भी बहुत सारा। स्टोर कीपर में काम करने के लिए सबसे पहले आपको 10+2 करना होगा, मतलब कि इंटर आपका फाइनल होना चाहिए। अगर आपका इंटर फाइनल है तो आप लोग दुबई में स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आपको इंटर, कम से कम आपको इंटर होना चाहिए अगर आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करते हो स्टोर कीपर जॉब के लिए। तो दुबई में आपको आने से पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जिस कंपनी में आपने काम किया हुआ है तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला होगा स्टोर कीपर का। अगर नहीं मिला है तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जहाँ पे भी सर्टिफिकेट वगैरह बनता है आप वहाँ से जाके एक अच्छा सा सर्टिफिकेट आप तैयार कर लो वहाँ पे। जिसके पास भी कंप्यूटर है या फिर सॉफ्टवेयर भी होता है ऑनलाइन, उससे भी आप खुद का एक अच्छा सा सर्टिफिकेट है वो तैयार कर सकते हो। तो अगर नहीं है तो आप मार्केट में जाके, जिसके पास भी, जो लोग मोबाइल का काम करते हैं या फिर जिसके पास कंप्यूटर वगैरह है, जो लोग ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह का काम करते हैं, तो उनसे आप एक अच्छा सा सर्टिफिकेट तैयार कर लो। जो लोग फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस वाले हैं, ये दोनों के लिए है, एक अच्छा सा आप लोग सर्टिफिकेट तैयार करें कि 1 साल 2 साल आपने जितना भी काम, उसके बाद आप लोग एक अच्छा सा रिज्यूम तैयार करें। जो लोग फ्रेशर हैं एक अच्छा सा रिज्यूम तैयार करें, उसमें आपको अपना फुल डिटेल्स डालना होगा। खुद से आप लोग रिज्यूम बना सकते हैं ऑनलाइन, या फिर जो लोग बाजार मार्केट में हैं उनसे भी आप बनवा सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है, क्योंकि एमएस वर्ड में आप रिज्यूम बहुत ही अच्छा बना सकते हो। तो उसमें आप रिज्यूम बनाओ और उसमें आप लोग अपना फुल डिटेल्स डालो कि आपने इतना आपका क्वालिफिकेशन है, आपने इंटर और 10 पास कर लिया है। उसके बाद आपने, आप वहाँ पे लिख दो कि 1 साल आपने काम किया हुआ है, किसी कंपनी का नाम वहाँ पे आप डाल दो रिज्यूम में, मतलब एक अच्छा सा तैयार करो और शॉर्ट में आप लिखो वहाँ पे, ताकि जो आपका सिलेक्शन करने वाला है उसको 2-3 लाइन में आपको समझ में आ जाए आपका रिज्यूम। उस स्टोर कीपर काम के लिए सबसे पहले आपको इंटर होना चाहिए, आपका इंटर फाइनल होना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। कंप्यूटर में आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस हो गया और एमएस वर्ड हो गया, ये सब आपको आना चाहिए स्टोर कीपर काम के लिए, क्योंकि ये जो भी है वो सब ज़रूरत पड़ता है स्टोर कीपर में। आपको लैंग्वेज आना चाहिए इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज आपको आना चाहिए अगर आप दुबई में स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करते हो तो। कंप्यूटर बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो स्टोर कीपर में आपको ज़्यादा डिमांड नहीं होता है आपका एजुकेशन क्या है या फिर आपका सर्टिफिकेट क्या है। अगर आप सर्टिफिकेट डुप्लीकेट भी लाते हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए और बात करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि सामने वाले से कैसे बात करना है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। स्टोर कीपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है क्योंकि स्टोर कीपर नॉर्मल काम है। इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको मालूम है इसके बारे में, स्टोर कीपर के बारे में, स्टोर के बारे में, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका सैलरी, इसमें सैलरी आपको कितने मिलता है। तो फ्रेशर का जो सैलरी है उसमें आपको 1500-1200 से शुरू होता है। जो लोग फ्रेशर हैं और स्टोर कीपर में काम करना चाहते हैं उनका 1200 से 1500 तक सैलरी होता है। जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनका 2000 से ऊपर रहता है स्टोर कीपर में, क्योंकि स्टोर कीपर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है, तो उसके वजह से
सैलरी भी बहुत ही अच्छा खासा रहता है। उसमें आपको अकोमोडेशन रूम आपको कंपनी देती है, खाने के लिए भी कंपनी देती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह हर कुछ कंपनी देती है। तो इसमें सैलरी भी बहुत ही अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है, काम ज़्यादा नहीं रहता है। आपको स्टोर का जो भी बैलेंस है वो अरेंज करना होता है, क्या बाहर से आया इनपुट हुआ और क्या आउटपुट हुआ वो आपको देखना होता है। तो आप अगर यहाँ पे काम करने आते हो तो 2-3 दिन में आप लोग ये समझ जाओगे कि स्टोर कीपर का काम कैसे होता है। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको इंटर पास होना चाहिए, आप एक अच्छा सा रिज्यूम तैयार करो और एक सर्टिफिकेट तैयार करो, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा साइंस रॉकेट वाला काम नहीं है। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।